फ्रेंड्स, एक फीमेल व्यूअर का ये क्वेश्चन है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा फिजिकली जो हूँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मेरे शौहर की सेक्स अपील जो है वो बहुत ज़्यादा है, उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा है। वो चाहते हैं कि वो डेली करें, एक ही दिन में जो है 24 घंटे के अंदर वो दो दो बार मेरे साथ हम बिस्तरी करें। चूँकि वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मैं फिज़िकली जो है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मैं इनकी ये डिमांड्स जो है वो पूरी नहीं कर पाती हूँ, तो क्या मैं अपने शोहर को इनकार कर दूं? तो क्या इस सूरत में मैं गुनहगार होंगी? शरीयत क्या कहती है? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि चंद सूरतें ऐसी होती हैं उन सूरतों में औरत जो है अपने मर्द को हम बिस्तरी से इनकार कर सकती है। नंबर वन, जैसे कि वो हालत हैज में है। नंबर सेकेंड, जबकि वो प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ से गुजर रही है या प्रेगनेंसी के स्टार्ट के डेज में अगर जो उसको डॉक्टर ने मना किया है या फिर इंटरकोर्स की वजह से उसे दर्द होता है या उसे कोई तकलीफ होती है तो उस सूरत में औरत मना कर सकती है। तीसरी, अगर औरत की तबीयत ठीक नहीं है उस सूरत में मना कर सकती है कि जेन्युइनली उसकी तबीयत ठीक नहीं है। चौथा ये कि शौहर अगर दोपहर के रास्ते से हम बिस्तरी करने का कहता है तो भी बीवी मना कर सकती है। इसके अलावा अगर शौहर कोई अंग्रेजी फिल्म जो कि इंटरनेट पर अपलोडेड होती है उस स्टाइल में करने का कहता है तो भी बीवी उसको मना कर सकती है। तो इस रीज़न की वजह से औरत इनकार कर सकती है। या फिर शौहर बहुत ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से उसको दर्द होता है, पेन होता है, तकलीफ होती है, हद से ज़्यादा कर रहे हैं, रोज़ रोज़ कर रहे हैं, इस वजह से वो अपने आप पे काबू नहीं पाती, तो उस सूरत में भी बीवी जो है वो शौहर को इनकार कर सकती है। तो अगर इसने इनकार किया है तो वो फिर गुनहगार नहीं होगी। अगर शौहर कवि हैं, स्ट्रांग है, तो जाहिर सी बात है एक जो है इक्वलिटी वाला मामले से चलना चाहिए, मायना रवि से चलना चाहिए। आपको मायना रवि से चाहिए कि हफ्ते में एक दफ़ा कर लें, दो दफ़ा कर लें। अगर इससे ज़्यादा आपकी ख्वाहिश है और आपकी जिस्मानी व माली ताकत दोनों आपको इजाज़त देती है तो रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात की इजाज़त दी हुई है कि आप दूसरा निकाह कर सकते हैं। दूसरा निकाह का मकसद ये है कि आप अपनी जिनसी ख्वाहिशात पहली बीवी से भी पूरी करें और दूसरी बीवी से पूरी करें ताकि आपकी औरत की सेहत पर कोई असर ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट मैं आपको एक बार समझा दूँ कि स्टार्ट में तो मर्द हजरा शौक शौक में डेली हम बिस्तरी का, एक ही रात में दो बार हम बिस्तरी का बीवी को आदि बना देते हैं। क्योंकि हमारे माशरे में ऐसा होता है कि बीवी जो है हम ज़्यादातर कम उम्र ही होती है शौहर के मुकाबले में। अब जैसे बीवी बड़ी होती है, भरपूर जवान औरत बन जाती है तो उसकी डिमांड्स फिर ज़्यादा हो जाती है, उसकी सेक्स अपील बढ़ जाती है। मर्द क्योंकि थोड़ा उम्र में बड़ा होता है, वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा होता है, वो फिज़िकली वीक होना शुरू होता है, वो इतनी सेक्स जो सप्लाई होती है वो नहीं कर पाता जितनी इसकी औरत की सेक्स डिमांड होती है, वो पूरी नहीं कर पाता। फिर आपस में बकबक चिक चिक शुरू हो जाती है, औरत नाराज़ रहती है, मर्द दे नहीं पाता है। तो इस सूरत में ये मशवरा दूंगी कि मर्द हजरात को कि शादी के शुरू से मायना रवि का जो है वो मामला रखे ताकि आपकी सेहत पे और औरत दोनों की सेहत पे कोई असर ना पड़े और एक आप बेहतरीन अजदवाजी ज़िंदगी गुजारें। तो मज़े चचा बच्चे से मुतालिक मालूमात और जिनसी मसाइल से आगाही के